आईपीएल जीतेगा सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी आईपीएल ऐसा भी होगा। मिसिंग चीयर लीडर्स एंड सुन लो, चीयर लीडर मिस कर रहे हैं आईपीएल में। वेलकम टू सरेनियम गाइस, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। सो गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी करें सब्सक्राइब, साथ में क्लिक करें बेल आइकन को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वांट टू थैंक एवरीवन, जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया जब हमारा चैनल हैक हो गया था, बट फाइनली वी आर बैक थैंक्स टू योर सपोर्ट। आज हम लोगों से बात करेंगे अबाउट आईपीएल 2020, कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल। हम बना रहे हैं आईपीएल प्रेडिक्शन वीडियो, लोगों से बात करते हैं देश, लेट्स गो। आईपीएल का सीजन देख रहे हैं साल, कौन जीतने वाला आईपीएल को ट्रॉफी, कौन जीतेगा? मैं तो केकेआर को सपोर्ट करता हूं। अच्छा, हां, कौन है कप्तान केकेआर का सीजन? दिनेश कार्तिक। आरसीबी जीतेगी इस बार, आरसीबी पक्का, अपना एबी डिविलियर्स मारेगा रन। अकॉर्डिंग टू मी मेबी राजस्थान रॉयल्स। व्हाट मेक्स यू से दैट? टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइनअप अच्छा है, बैट्समैन का भी और बॉलिंग का भी, तो मुझे लग रहा है राजस्थान रॉयल इस बार विनर। ऐसा छप रहा है, बिना मास्क के चल रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा बहुत है, मास्क की क्या जरूरत है? मेरे ज्यादा सीएसके लगता है मुझे, सीएसके। आरसीबी की वर्जिनिटी टूटेगी? टूटनी चाहिए। क्या आप आईपीएल देखते हैं? आरसीबी एज यूजुअल, पर हमेशा यू नो द रिजल्ट्स। रोना नहीं है, आप रोगे तो नहीं हो गया? आप रोगे ना मेरी हंसी निकल जाएगी। आईपीएल जीतेगा सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली कैपिटल्स। चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी का फैन, क्या बात है, वेरी गुड। मुंबई लेके जाएगा, मुंबई ठेका ले रखा मुंबई। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना ठेका लेके बैठा है। बट यार अभी चेन्नई भी बहुत बढ़िया खेल रहा है, ठीक है, एमएस धोनी संन्यास लिया, बट आईपीएल में इस बार देखो मार भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। किंग्स इलेवन पंजाब। हाँ, क्यों लग रहा आपको? अच्छा खेल रही है। इस साल दिल्ली के चांसेस ज्यादा है, दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल इस बार डीसी को मैं सपोर्ट कर, या जीसी जीतेगी, और जो सपोर्टिंग टीम्स इस बार थी, चेन्नई सुपर किंग आप देख रहे थे, वो काफी डाउन है, जो बड़ी टीम्स हैं। ऑरेंज कैप किसको मिलेगी? ऑरेंज कैप मिलने दो, रसल को चाहिए। विराट कोहली। एबी डिविलियर्स। कोई भाई का भाई एकदम अल्टीमेट हो रखा है, एंड मैं ले जाता है वो। डेविड वॉर्नर। या ऐसा लड़का नहीं हो तो जहाज है। एबी डिविलियर्स से विराट कोहली दोनों सपोर्ट करूंगा मैं तो उसमें। केएल राहुल इस बार इंडिया का ही दबदबा रहेगा। वॉर्नर। फैफ डू प्लेसी या वॉटसन? हाँ, KL राहुल बढ़िया खेल रहा है, फॉर्म में है। विराट कोहली या शर्मा जी का लौंडा या दामाद, कुछ भी हो सकता है, टू मच फन। और KKR का वो रसल 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 केएल राहुल पंजाब। मुझे नॉलेज नहीं है। वाइड बॉल कितनी वाइड होती है? ऑरेंज कैप की हम बात करते हैं तो मयंक अग्रवाल बना सकता है। पर्पल कैप बॉलिंग बुमराह नो आइडिया। चहल इज डूइंग नाइस जॉब। पर्पल कैप में काफी ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें रबाडा भी जीत सकता है, लेकिन अगर मेरा देखा जाए तो मेरे को लगता है इस बार कोई स्पिनर बाजी मारेगा। नाम आप कह सकते हो, चहल भी ले सकता है। पैटिनसन दिल्ली एनगीडी चहल ले जा सकता है। शादी पक्की होगी उसकी, है ना? शादी उसकी पक्की होगी। बुमराह विकेट अश्विनी अश्विन वो तो वैसे इंजर्ड होगा पहले मैच में, एक ओवर में दो विकेट भी इंजर्ड होगा, तो अभी दो मैच के बाद आएगा। मोहम्मद शमी और देन कगिसो रबाडा। आरसीबी इस बार जीतेगी आपको लगता है? आरसीबी 100% आपको ऐसा क्यों लगता है? भगवान लाल रंग पहन लिया हमने, भगवान ऑरेंज होता है। अरे कोई बीजेपी नहीं, हम आरसीबी वाले हैं। अब तो कुछ
होने के बाद ही जीत सकते हैं। हाँ लक, हाँ या कप्तान अपने लिए कुछ कर सकता है, टीम के लिए मे भी ना कर पाए क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग ज्वाइन अप कर रहे हैं उनको, तो यू कैन ओनली परफॉर्म योर इनिंग ज्ञान ना दो। आप ये बताओ क्या रोहित इस बार विराट कोहली जीतेगा या नहीं? नहीं नहीं, फेयर प्ले अवार्ड, ये बहुत अंडररेटेड है बट फिर भी ये कोई सबसे राजस्थान रॉयल्स, सबसे गर्व टीम राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स सीएसके, धोनी भाई बड़ा लॉयल है हमेशा की तरह सीएसके, चेन्नई सुपर किंग राजस्थान दिल्ली दिल्ली फेयर प्ले अवार्ड एक ही टीम जो अपने संतुलन में रहती है, फालतू बोलती नहीं सीएसके क्योंकि उनका जो कैप्टन कूल है ना वो फालतू बोलता है, डैडीज 11 कहते हैं, सारे 35 प्लस हैं पर बहुत एक्सपीरियंस है, इट्स रियली गुड। नहीं देखिए एक एज तो एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आज भी महेंद्र सिंह धोनी को हार्दिक पांड्या के साथ एक रनिंग करवा लो महेंद्र सिंह धोनी जीतेगा। मुंबई 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 कुछ नहीं करती देखना आप। हां बेंगलोर बेंगलोर सबसे कहां कप्तान तो चलो मुंबई इंडियंस, अंबानी कुछ भी कर सकता है, अंबानी पैसा कुछ भी कर सकता है, वाह पैसा कुछ भी कर सकता है अपना एमएस एमएस आपकी मतलब चॉइस हमारी एमएस है, फर्स्ट में जीती थी, फर्स्ट मैच में एकदम चौका मार दिया था उसने, एमएस मैंने देखा था एक्चुअली, बताना है अंतर क्या सेंस ना बने इस बात के बीच में। आईपीएल देखने में मजा आ रहा है बिना क्राउड के, कैसा लग रहा है आईपीएल? अब तो ऐसा लग रहा है शोर कर रहे हैं फालतू का, वेले ही शोर मचाए पड़े हैं, बस हाँ यार मैं देखा ही नहीं यार, सही बताऊं बिल्कुल नहीं देखा, कसम से नहीं देखा, बिल्कुल फॉलो नहीं किया। शुरू शुरू में तो बड़ा इरिटेटिंग लगा था जो पीछे से नॉइज आ रहा है उसका, जो ऑडियंस का नॉइज है या जो जबरदस्ती का जो आईपीएल का हॉर्न है, बट यूज्ड टू हो गए अब तो, अब सोचते भी नहीं है इस बारे में, थोड़ा अलग है पहले से लेकिन ठीक है, नया एक्सपीरियंस है। जैसे आपने फर्स्ट टाइम मास्टरबेट करा था वैसे ही अलग था, पर कह सकते हो एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, नया है, समथिंग न्यू। ये बताओ कितना डिफरेंट है पेंडेमिक में आईपीएल देखना बिना क्राउड के, कैसा लगता है देखना? ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिना आइस के बंदा दारू पी रहा होता है, क्योंकि विदाउट क्राउड तो वो बात नहीं बनती, क्योंकि हर किसी को शौक होता है कि एक साल बाद आईपीएल आ रहा है तो हम ग्राउंड में जाएंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नया माहौल बन जाता है क्योंकि सारा साल बंदा वेट करता है। ये भी क्रिकेट को अपने इंडिया में एज अ लाइक ए फेस्टिवल ही लिया जाता है, और जो आईपीएल है वो तो इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली के बाद, कुछ तो है एंजॉय करने के लिए। हाँ धीरे धीरे सब खुल रहा है, सब पहले ऐसा नॉर्मल होता जा रहा है, बस अब इससे और मुक्ति मिल जाए। क्या लगता है इससे कब मुक्ति मिलेगी? तो 21 के बाद ही मिल सकती है, जो भी मिल सकती है। किसके बाद? किसके बाद? अच्छा किसके बाद मुक्ति मिल सकती है? इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट इन द स्टेडियम, बाकी तो टीवी पे हैं तो सेम ही है, इट इज एज इंटेंस क्योंकि उन्होंने क्राउड की आवाज ज्यादा कर रखी है। हां और घर पे तो इंटेंस हो ही जाता है यार, वैसा मजा तो नहीं है क्योंकि इंडिया में नहीं हो रहा। कैसा मजा चाहिए आपको आईपीएल में? इंडिया में होता है जो देखने सामने में देखना ठीक है, और बाहर में आईपीएल हो रहा है तो वैसा कुछ मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा, एक तो जो पीछे फेक वो डाल रखी है ना, दिल से बुरा लगा, वो जो चल रहा है ना पीछे, और वो जो तुम लड़कियों के लिए फेक फीलिंग्स लेके घूमते हो, वो क्या वो फेक है? थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। क्राउड नहीं है, हां बिल्कुल, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी आईपीएल ऐसा भी होगा। सर बताओ बताओ, कभी नहीं सोचा था? हाँ कभी नहीं सोचा था कि बिना खिलाड़ियों के मैदान में आईपीएल स्टार्ट होगा, दर्शकों के ठीक है मैचेस हो रहे हैं लेकिन एंटरटेनमेंट उस लेवल का नहीं जा पा रहा जिस लेवल का होता है। किस लेवल का एंटरटेनमेंट चाहिए आपको? उस लेवल का मींस के क्राउड होता है, जो क्राउड का मतलब क्राउड में जो मजा आता है वो लॉकडाउन में मजे कम पड़ गए क्या लोगों को? और कितने मजे चाह रहे जिंदगी में? मिसिंग चीयर लीडर्स एंड सुन लो, चीयर लीडर मिस कर रहे हैं आईपीएल में, चीयर लीडर लक्षण ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे, मिसिंग इज चीयर लीडर्स एंड डिफरेंट क्राउड में जो मजा होता है जो शोर वो कहीं ना कहीं सुनने को नहीं मिलता। चीयर लीडर्स में क्या मिस कर रहे हैं आप? चीयर लीडर में चो छक्के के बाद एक जो एक रोमांटिक, दोस्तों मैं बता दूं इनका बचपन से सपना है गजरा पहन के नृत्य देखने का, तो चीयर लीडर जब छक्के चौके में डांस नहीं देख पा रहे तो मिस कर रहे हैं, मेजर मिस। बिल्कुल बिल्कुल मेजर मिस। आईपीएल नो यार। Hi guys, can we talk for a few minutes? Does anyone watch IPL over here? आप अपनी महिला मित्रों से मिल रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे? नहीं। आपने हाथ दिखाएं? हाँ। ऐसे घुमाएं? हाँ। ये कलाई जो है ना आपके हाथ की लकीरें हैं। हाँ हाँ। मिट रही हैं? नहीं ये प्रॉपर है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दो तुम कैमरे पे, मैं रिकॉर्ड तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। कैमरे में बोलो, गर्लफ्रेंड का नाम लेके आई लव यू बोल दो, मैं क्या वीडियो में डाल दूँगा? तो नहीं बोल सकता। अरे ये शकल लड़का
शर्माना क्या? शर्माना नहीं, प्यार किया तो डरना क्या, पब्लिक को बोल दो, बोल दिया जाने में, आई लव यू बोल दो, नाम बोल दो, रियाज आई लव यू साइला, आई लव यू साइला, एडिटर ये वीडियो ध्यान से डाल देना। क्या हम लोगों को मैसेज देना चाहोगे इस पूरे पेंडेमिक और आईपीएल के बारे में? बड़ी होना सीट पर, हाँ मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, जितना हो सके अपने आप को बाहरी चीज़ों से बचा के रखें, जितना आप प्रिकॉशन ले सकते हैं वो अपने और खुद, इनका मास्क नीचे है, खुद इनका पूरी वीडियो में मास्क नीचे है और ये बता रहे हैं मैंने प्रिकॉशन के बारे में। अभी आपने मास्क लगाया हुआ है ना, हाँ। आपका नाक के ऊपर है, मेरे को पता है मेरा आपको इन्फेक्शन नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा इसको मैसेज कर लूँगा। विराट कोहली के भाई बढ़िया खेल, बढ़िया खेलो और ए बी भाई को साथ बढ़िया खेलो, एकदम बढ़िया, ओपनिंग ओपनिंग करने आओ। गाइस बस अपनी अच्छी टीम को सपोर्ट करो, चाहे टीम अच्छा खेले या ना खेले, कीप सपोर्टिंग, मतलब लाइक अ जेन्युइन फैन, लॉयल फैन, या एब्सोल्युटली। आईपीएल देखो यार, अच्छा है, पेंडेमिक के टाइम में कुछ तो हो रहा है ना अच्छा। जस्ट एंजॉय द आईपीएल एंड बी केयरफुल, स्टे सेफ। देखो कोरोना वायरस में आईपीएल हो रहा है वही बहुत बड़ी बात है, और अच्छा है कि घर में सेफ रह के देखें आईपीएल, एंजॉय करें फैमिली के साथ, एंजॉय करें, ठीक है। आप आईपीएल में स्टेडियम में जाते हो वैसा भी आप माहौल घर में भी बना सकते हो, ठीक है, घर में लोगों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठ के भी बना सकते हो, ठीक है। पॉपकॉर्न खाना, पॉपकॉर्न घर में बनाओ यार, खाओ, ठीक है, आईपीएल एंजॉय करो मस्त से एकदम। कुछ नहीं यार, घर में बैठो, घर में रहो, एंजॉय करो, हम घूम रहे हैं लेकिन आप लोग घर में बैठो एंजॉय करो। मैं चोरी कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, तुम मत करना। वो डाउट से गाइस, इस पेंडेमिक में अगर आईपीएल हो रहा है यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो हमें इस क्रिकेट फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए, पेंडेमिक में सेफ रहें। आपको क्या लगता है इस साल आईपीएल की प्रेडिक्शंस क्या होने वाली हैं, आप कमेंट करके नीचे बताएं, वीडियो बताएं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू ज़ेरेनियम एंड आवर सेकंड चैनल ज़ेरेनियम म्यूजिक, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर विद द नेम ऑफ ज़ेरेनियम, लिंक आपको दिख रहे होंगे। थैंक यू।